अध्याय चार, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, संख्याओं के पैटर्न। नीचे दी गई संख्याओं को देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार आगे। क्या आपको इसमें कुछ निश्चित क्रम अथवा पैटर्न दिखाई देता है? इसमें प्रत्येक संख्या अपने से बाद की संख्या से दो कम है। इसमें प्रत्येक संख्या दो की क्रमवार गुणज है। दो को एक से गुणा करने पर दो, दो को दो से गुणा करने पर चार, दो को तीन से गुणा करने पर छः और इसी तरह आगे। इसमें पहली संख्या दो को दो गुना करने पर दूसरी संख्या चार, दूसरी संख्या चार का डेढ़ गुना करने पर तीसरी संख्या छः मिलती है। आप देख सकते हैं कि जॉन के पैटर्न में प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग नियम होगा, जबकि सलमा और मोहन के पैटर्न में एक ही नियम से सभी संख्याएं बनेंगी। अब आप नीचे दी गई संख्याओं को देखिए, 6, 11, 16, 21 और इसी प्रकार आगे। आप कह सकते हैं कि इसमें पहली संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या में 5 जोड़ने पर मिलती है। क्या इनमें कोई और भी पैटर्न मिल सकता है? नीचे संख्याओं के कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, -5, -7, -9, -11, -13 और इसी प्रकार आगे। दूसरा, 4, 9, 14, 19 और इसी प्रकार आगे। तीसरा, 3, 7, 11, 15 और इसी प्रकार आगे। श्रेणी क्या है? इनमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक श्रृंखला की संख्याएं अपने से पिछली संख्या से एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है। पहली श्रृंखला में संख्या 2-2 से कम हो रही है, जबकि दूसरी में 5 से और तीसरी में 4 से बढ़ रही है। ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो श्रेणी कहलाती है। करके देखें, नीचे दी गई संख्याओं की प्रत्येक श्रेणी में क्या पैटर्न है, पहचान कीजिए। पहला, 4, 10, 16, 22 और इसी प्रकार आगे। दूसरा, 0, 3, 6, 9 और इसी प्रकार आगे। तीसरा, -1, -3, -5, -7 और इसी प्रकार आगे। समांतर श्रेणी, आपने देखा कि ऊपर दी गई श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहलाती है। और यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आइए इस समांतर श्रेणी पर विचार करें, 8, 13, 18, 23 और इसी प्रकार आगे। इस श्रेणी का प्रथम पद 8 और दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 18 और चौथा पद 23 है। प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर अगला पद मिलता है, इसलिए इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है। उदाहरण 1, समांतर श्रेणी -7, -11, -15, -19 जो कि अनंत तक है के लिए प्रथम पद, चौथा पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हल, प्रथम पद दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद -7 है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर -7। अब हमें ज्ञात करना है चौथा पद, चौथा पद, तो समांतर श्रेणी में चौथा पद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद है हमारा -19, तो चौथा पद हुआ आया हमारे पास -19। अब सार्व अंतर, सार्वांतर के लिए हम जानते हैं कि सार्वांतर के लिए हम लिखते हैं द्वितीय
द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारे पास है ऋण 11 और ऋण प्रथम पद है हमारा ऋण 7, जिसे हम लिखेंगे ऋण 7 कोष्टक में। कोष्टक को खोलेंगे, पहले ऋण 11 लिखिए, कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण को ऋण 7 से गुणा करने पर धन 7 और ऋण 11 धन 7 हो जाएगा ऋण 4। तो सार्व अंतर जो है हमारा ऋण 4 आया। यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें। प्रश्न 1, नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में से समांतर श्रेणी छांटिए। पहला 9, 16, 23, 30 और इसी प्रकार आगे। दूसरा 11, 15, 18, 20 और इसी प्रकार आगे। तीसरा 4, 13, 19, 28 और इसी प्रकार आगे। चौथा 0, ऋण 3, ऋण 6, ऋण 9 और इसी प्रकार आगे। पांचवा 2, 2, 2, 2 और इसी प्रकार आगे। छठवां 9 सही 1/7, 7/7, 9/7, 13/7 और इसी प्रकार आगे। प्रश्न 2, दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए। पहला 9, 12, 15, 18 और इसी प्रकार आगे। दूसरा 2, 8, 14, 20 और इसी प्रकार आगे। तीसरा 3, ऋण 2, ऋण 7, ऋण 12 और इसी प्रकार आगे। चौथा ऋण 5, 2, 9, 16 और इसी प्रकार आगे। पांचवा 0.4, 0.9, 1.4, 1.9 और इसी प्रकार आगे। छठवां 5, 5, 5, 5 और इसी प्रकार आगे। सातवां 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इसी प्रकार आगे। आगे के पद ज्ञात करना। नीचे एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, 10, 17 और इसी प्रकार आगे। क्या हम इसके आगे के पद पता कर सकते हैं? सोचें इस समांतर श्रेणी का अगला यानी चौथा पद कैसे ज्ञात करें। तीसरे पद यानी 17 में 7 सार्वांतर जोड़ने पर 24 मिलता है, यही इस श्रेणी का चौथा पद है। अब आप इस श्रेणी के अगले 4 पद यानी 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पद लिखिए।